अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बात ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में तो नहीं होगी, क्योंकि हम बच्चे गा रहे हैं साथ में, हम सब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मजा आएगा। और ये जो कल मैंने बताया कि हमारा शास्त्रीय संगीत, जैसा आप सभी जानते हैं कल की बात, कि शास्त्रीय संगीत है, तो हम यदि शास्त्रीय नहीं जानते हैं तो हम उपशास्त्रीय कैसे जानेंगे? तो उसी से निकला हुआ है, राग को बरतना है, रागों में राग मिलानी है। आप मेरी तरफ ही मुखातिब रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरी तरफ ही मुखातिब रहें, आपस में ग्रीट करने लगते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो ये जो हम अपने राग कर रहे हैं, आपके कोर्स में भी राग हैं, इसके पहले भी सीखे हुए हैं, तो बेसिक राग ज्यादातर जो हैं वो ही काफी इसमें इस्तेमाल होंगे। तो ये गायकी होती हैं, तो ज्यादातर बहुत कॉम्प्लिकेटेड राग नहीं लिए जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि मुखातिब इधर होंगे तो मुझे सब दिखता रहता है, तो इसलिए आप तो राग जो है आपके यमन है, काफी है, खमाज है, भैरव है, भैरवी है, लेकिन इनमें कोई राग ऐसे हैं कि जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है? यमन हालांकि ठुमरी में नहीं किया गया है, लेकिन वो बंदिश की ठुमरी में किया गया, लेकिन हम बोल बनाओ की ठुमरी, जो हमने जैसा बताया था कि दो तरह की ठुमरियां होती हैं, बोल बनाओ की ठुमरी और एक बंदिश की ठुमरी, दो तरह की ठुमरी होती है। अब हम ये बोल बनाओ और बंदिश हम दादरा में नहीं करते हैं, तो ये दादरा में ये बात का इस्तेमाल नहीं होता है। ठुमरी क्योंकि बेसिक चीज है तो उसको उसको ही हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो बोल बनाव की ठुमरी होती है उसमें अधिकतर हम विलंबित और मध्य लय में रहते हैं, उसमें कोई द्रुत का काम नहीं है, क्योंकि द्रुत के काम के लिए जैसे छोटा ख्याल होता है ऐसा ही दादरा, कजरी, और उस दादरा की तरह की होरी, होरी भी दो तरह की होती है, होरी ठुमरी और एक होरी जिसको बोलते हैं दादरा, और तीन तरह की भी मान सकते हैं, एक बिल्कुल फोक में जाती है फाग जिसको कहते हैं, तो तीन तरह की भी ठुमरियाँ होती बन सकती हैं। तो होरी ठुमरी जो होगी वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और दादरा वाली भी धीरे धीरे ये सब चीजें आएंगी, आपको बस हम दिखा रहे हैं कि हाँ ये आने वाला है। अब जो अगर हम रागों को बरतना नहीं जानते हैं, क्यों नहीं ठुमरी पहले सिखाई जाती, जैसा मैंने कल भी कहा कि हम ठुमरी से ही क्यों नहीं शुरुआत करते, क्यों ख्याल शुरुआत करते हैं, तो ठुमरी इसलिए नहीं सिखाई जाती पहले, ना सीख सकता है कोई, वो एक दो लाइन रट सकता है, उसके अलावा करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसमें सबसे मुख्य बात आती है कि क्योंकि बोल बनाव है, भाव है, तो बेटा इसमें वो लगा सकते, कोई बाहर से जाके कोई कागज़ या कोई चीज़ लगा सकते, वो ऐसे से हिल रहा है इधर से, वो है ना वो कोई बोर्ड, बोर्ड हार्ड बोर्ड, सॉरी हाँ सॉफ्ट बोर्ड इधर रखा है, तो बाहर से लगा देंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो ये जो ठुमरी का मैंने बताया, ये बोल बनाओ के उसमें जो है वो हमें राग के बारे में मालूम होना चाहिए, और हम दो तीन रागों का मिश्रण भी उसमें करते जाते हैं, और भाव की बात ज्यादा है, ये हमें ख्याल में भाव को इतना प्रधान नहीं रखते, होना चाहिए, होना चाहिए, तभी वो आम तक पहुंच सकता है।
लेकिन हम भाव को ख्याल में प्रधान नहीं रखते, बिना माने ख्याल में भी कलात्मक और भावात्मक दो तरह की शैलियां चलती हैं। एक कलात्मक, बहुत ज्यादा कलात्मक भी होती है कि लीजिए ये तान मारी, लीजिए ये अलाप किया, ये तिहाई मारी, है ना, वो कलात्मक हुआ। और एक भावात्मक हुआ कि हम शब्दों के अनुसार चल रहे हैं। इतनी अरज मोरी मांग, ना जाओ परिदे सबा, इतनी अरज मोरी मांग। अगर हम ये बात कहते हैं तो ये बात में हमको भाव होना चाहिए ना, अरज रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का भाव होना चाहिए। अगर वो भाव नहीं हुआ और हम बस सिर्फ स्वर खमाज के स्वर ही स्वर गा रहे हैं तो बात ठुमरी में नहीं बनेगी बिल्कुल, लेकिन ख्याल में बन सकती है कि चलिए उन्होंने खमाज तो दिखाया। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आते हैं। तो आपने अभी राग तो सीखना काफ़ी शुरू कर दिया है, और जैसा बताया कि एमए के ही विद्यार्थी ज़्यादा हैं या एडवांस विद्यार्थी होते हैं ठुमरी में अधिकतर, तो वो राग सीखे हुए हैं, कुछ अच्छी तरह से राग सीखे हुए, ख्याल गायन अच्छी तरह डॉक्टर से नमिता जी, आप अपने आप ताल को अनम्यूट करिए। जानते हैं, ताल का पूरा साइकिल जानते हैं और उसमें कैसे वो संपर्क आते हैं, ये यदि ख्याल में किया हुआ है तो ख्याल तो आप जानते हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने जुड़े हुए ऑनलाइन ऑफलाइन सब जानते हैं कि ख्याल क्या चीज है। तो हम बड़े ख्याल को जब गाते हैं तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है बेटे, इधर भी है थोड़ी चीजें जिनसे उनको आप लगा सकते हैं, इधर है बोर्ड चाहिए ना थोड़े से ना सॉफ्ट, तो हम वो पूरा सम पर कैसे आना है। बड़ा ख्याल गाने में दिक्कत होती है ना, कई बार हम गिन रहे होते हैं है ना, और कई बार हम बिल्कुल तबले को ऐसे देख रहे होते हैं, कहाँ धिन, फिर दूसरा धिन आया कि नहीं आया, तो ये सब करने में तो हम गाना भूल जाएंगे, गाना नहीं गाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको लय और ताल को पक्का करना बहुत जरूरी है। अब इस पे काम शुरू कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, कि हम ताल छोड़ करके और फिर कैसे सम पर आते हैं, फिर छोड़ा, यही क्लासिकल म्यूजिक का मजा है, जो कि लाइट म्यूजिक में भी अडॉप्ट किया जाता है, तब कोई बात और बनने लग जाती है। अभी हम फिल्म म्यूजिक करते हैं, मान लीजिए सभी बच्चे यहाँ फिल्म म्यूजिक भी गाते हैं, अच्छा गाते हैं, बेटर देन क्लासिकल मुझे मालूम है, क्योंकि अभी भी सुना मैंने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी, तो बेटर देन क्लासिकल वो परफॉर्म कर रहे हैं फिल्म में, फिल्म म्यूजिक में, ऐसा क्यों है कुछ बता सकते हो? इंटरैक्टिव सेशन है, आप बताइए ऐसा क्यों? हाँ, संगीता चौधरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। वही सुनाई पड़ रहा है। हाँ, एक पॉइंट तो ये है कि हमें फिल्म म्यूजिक इतना ज्यादा हमारे भारतवर्ष में सुनाई पड़ता है। जैसे तालिक चल रही है, नॉर्मल चल रही है, बीट पे चल रही है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आदमी उसमें यूज टू हो जाता गाते हुए कि हाँ बहुत इजी भी हम गा सकते, तो कॉम्पोजिशन भी बिना कोई क्लासिकल खट्टा मोटी। इसने जो बात कही वो उसमें एक बहुत पॉइंट की बात है जो मैं बताना चाहती थी, ताल को लेके, लय को लेके, हमें क्यों वो इजी दिखता है ना, वो है नहीं इजी, वो इजी है नहीं, बट ताल वाइज थोड़ा सा इजी है, गाने के मामले में नहीं। गाने के मामले में आपको थोड़ी देर में ही कुछ बहुत कुछ करके गुजर जाना पड़ता है, वो 3 मिनट जो है वो पूरा राग उकेर देते हैं, उकेर सकते हैं, पुराने अगर आप बंदिशें देखें उसमें तो हम इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आया कि हम जो लाइट म्यूजिक कर रहे थे करते हैं,
लाइट म्यूजिक में भी फिल्म म्यूजिक जो करते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है अपने हिंदुस्तान में, बाहर नहीं है, मैंने बाहर उनके फिल्म म्यूजिक नहीं चलता इस तरह से, उनका उनका जो प्राइवेट म्यूजिक है वो ज़्यादा चलता है, इसीलिए वहाँ डेवलपमेंट बाहर के देशों में प्राइवेट म्यूजिक का है, डेवलपमेंट उसी का हुआ, हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ जो वो फिल्म म्यूजिक का हुआ। तो ये इस पर चिंता तो श्रीमती किशोरी अमोनकर जी ने भी जताई और बहुत लोगों ने, जबकि उन्होंने फिल्मों में भी गाया, फिल्म में भी गाने दिए, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने फिल्म में भी गाया, गीत गाया पत्थरों में, ये उन्होंने उनका किशोरी अमोनकर जी जो इतनी कितनी सफल क्लासिकल सिंगर, उन्होंने गाया। तो ये चीज़ें हैं कि और परवीन सुल्ताना जी आप जानते हैं उनके नाम बेटा? नहीं जानते, इन नामों को जानिए, इन नामों को जानना बहुत ज़रूरी है, अगर इनको नहीं जाना तो आपने क्लासिकल म्यूजिक सीख मतलब नहीं सीखा। अगर भीमसेन जोशी जी, श्रीमती किशोरी अमोनकर जी, श्रीमती गिरिजा देवी जी, पंडित रविशंकर जी और पंडित जसराज जी, ये तो अभी आपको दिखाई ही पड़े आपके समय के, नहीं तो अमीर खान साहब और तमाम पुराने, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो आपको आपके आपके बचपन में आप जब पैदा हुए उठे, तो ये जो है आप उनको पढ़िए थोड़ा सा, और उन्होंने मतलब कुछ इनमें से फिल्मों में भी गाए, मैंने उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, फिल्म म्यूजिक दिया रविशंकर जी, जाकिर हुसैन जी, हाँ सब लोग, वो तो अलग चीज़ है कि उनको मिला क्या, उन्होंने, हम फिल्म से कनेक्ट करते हैं, अगर फिल्मी की बात करते हैं कि आप फिल्म बहुत पसंद करते हैं, फिल्मी मतलब ये कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, फिल्मी म्यूजिक बहुत पसंद किया जाता है, और हालांकि कुछ हमारे विद्वान कहते हैं ना फिल्म म्यूजिक नहीं सुनो, नहीं करो, ये तुमको ख़राब कर देगा, तो हमारे हिसाब से, मेरे अपने पर्सनल विचार के हिसाब से, ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, इनफैक्ट हम क्लासिकल से भी दूर कर देंगे बच्चों को, जो वो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए और उसमें उनको बताया जाए कि कहाँ पर क्या है अच्छा। संगीत दो ही तरह का होता है, अच्छा या बुरा, फिल्मी क्लासिकल सेमी क्लासिकल लाइट और दुनिया भर के और जो भी है, सब में अगर दो कैटेगरी होती है, एक अच्छा जो कि अपील करता है, जिस गायन की बात अगर हम कर रहे हैं, हम गायन की ही यहाँ बात कर रहे हैं, तो गायन में बहुत सारे ऐसे गाने भी बने जिनको आप सिर्फ गा नहीं सकते जब तक इंस्ट्रूमेंटल आपके साथ नहीं, उसको अच्छा कंपोजिशन गाने के हिसाब से नहीं कहा जाता, यदि अगर वो है तो नहीं बनता। आप पुराने गाने इसी तरह से, या अभी नए में भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं, आप उठा के देखते हैं तो आपको लगता है कि ये गाया जा सकता है, क्यों गाया जा सकता है, बिना इंस्ट्रूमेंटल के क्यों गाया जा सकता है, कभी कभी ऐसे भी गाए जाते हैं ना, हाँ भाई सुना दो, हाँ मन किया घर में गा लिया, किसी के सामने गा लिया और आत्मा तृप्त हो गई, वो इसलिए कि उनके लिरिक्स अच्छे हैं, उनका संगीत अच्छा है, संगीत माने कॉम्पोजिशन अच्छा है। अब एक लाइन गाई, उसके बाद तमाम सारा म्यूजिक इंतजार कर रहे हैं कि अब कब गाने की बारी आती है, वो तो नहीं चलेगा, अब वो कॉम्पोजिशन नहीं कहलाएगी, वो आपको गाने में भी नहीं अच्छा लगेगा, आप बिना म्यूजिक के गाइएगा कैरियोके पे, नहीं बिना म्यूजिक के उनको गा के देखिए तो क्या वो अच्छे गीत हैं। तो ये आपको पहचानने की जरूरत है कि हम, अब ये आती है बात कि हम ताल में पक्के कैसे हों। कुछ कॉम्पोजिशन फिल्मों में भी ऐसे हैं जो कि कहीं रूपक में है, कहीं जब ताल में है तो कहीं दूसरी तालों में है, कहरवा दादरा में तो बहुत है, तो आपको उनके साथ ताल देना आना चाहिए, बराबर बैठ के अपनी बेसिक
जो लय है उसको आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वहां से ठीक शुरू करिए, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपको ऐसा भारी सा नहीं लगे कि मुझे वो अब क्लासिकल ही पहले करना पड़ेगा, तब मैं 10 साल, लोग बता देते हैं 10 साल में तुम बनोगे गायक, अब 10 साल मैंने 10 साल पहले ही भय जो है वो दिखा दिया हमारे सो कॉल्ड मठाधीशों ने, तो वो चीज नहीं हो। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बढ़ते जाइए और ये इसमें अचीवमेंट मिलता जाएगा। अपने ग्राफ को देखिए कि हल्का हल्का बढ़ रहा है क्या कि नीचे जा रहा है, बस इसको देखना होता है। एक दिन में आप कोई भी किशोर या मुनकर या पंडित श्रीमती गिरजा देवी जी या लता मंगेशकर जी नहीं बन पाएंगे। रात में सोए सुबह बन गए, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तो ये जो हमारी ताल का जो पोर्शन है इसको हम उस तरह से भी ठीक कर सकते हैं कि जैसे फिल्मों फिल्मी गान गीत हैं, आप गा रहे हैं तो हम कैरियोके पे प्लीज ना गाएं। लाइव हमारे म्यूजिशंस बहुत अच्छे अच्छे हैं शहर में भी, उनको लेके गाएं। कुछ नहीं तो तबला हारमोनियम लेके गाएं, देखिए बदलाव आना शुरू हो जाएगा आपका, है ना बेटा, ऐसा होता है ना, तो बदलाव आना बिल्कुल शुरू है, कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाएगा धीरे धीरे। और जैसा मैंने बताया कि ये छोटी छोटी जो बैठकें हैं वो फिल्म म्यूजिक के साथ, उसमें नॉन फिल्मी भी हो, छोटा सा क्लासिकल भी हो, इस तरह की बैठकें होना बहुत जरूरी है बेटा। वो चाहे ANDE कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा हो, चाहे CSJMU कर रहा हो, चाहे DG कर रहा हो, चाहे वो जोहारी कर रहा हो, जहाँ जहाँ MA है वहाँ की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे कुछ सोच के आए हैं कि हमें संगीत अपना करियर लेना है। और करियर के लिए हमें क्या करना है, हम सिर्फ क्या सिर्फ इमिटेट करते रहेंगे, कॉपी करते रहेंगे, हालांकि कॉपी तो हम क्लासिकल में भी करते हैं, जो कहता हम कॉपी नहीं करते हैं वो गलत कहता है, वी आर डूइंग दैट, हम बंदिश को एज इट इज लेते हैं, है ना, कॉपी तो कर रहे हैं। अब आप फिल्मों में तो कॉपी किया तो, बट वो कैरियोके पे गाना कि वो जहाँ रुका तो हम मालूम है हमको अब रुकने वाला है, अब वो पूरा 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 सेट है, सेट है, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम ताल में गड़बड़ कहाँ हो रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है उसके साथ नहीं जा पा रहे, अब वो स्केल, अब लता जी के स्केल पे गा रहे हैं जी, तीसरे काले पे चालू हो गए, अरे कहे क्यों, डॉक्टर ने बताया है, ऐसा नहीं होता है। रिदम लगभग वही होना चाहिए, रिदम वही होना चाहिए, स्केल का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, जिस जो स्केल आपका गला को सूट करता है वही पर आप हमेशा गाइए और उस पे ही अपीलिंग होगा जो आपका स्केल होगा। अपने स्केल को समझने के लिए आपको पता है कि क्या करना है, नीचे धैवत से लेकर के पंचम मंत्र और ऊपर गंधार तक एटलीस्ट आराम से जाए, और उसके ऊपर भी जाता है और उसके नीचे भी जाता है तो बहुत अच्छा, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, वो एकदम से वही मैंने कहा कि रात को सोया और सुबह बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो वो बड़े आराम से करेंगे, करते रहेंगे। सतत करने की चीज है संगीत, जैसे पूजा रोज करने की चीज है, तो हम इसको पूजा ही तो मानते हैं, योग मानते हैं, पूजा मानते हैं, यदि आपने पूजा नहीं माना है तो मान लीजिए, पूजा कहें या इबादत कहें या जो कहें, जो भी उसका नाम दें, एब्स्ट्रैक्ट को आप मान रहे हैं, स्वर ही आपका ईश्वर है, इसको मानना जरूरी है। अब वो हम सुबह से जो लगाते हैं, सुर लगाया गया, तो वो चाहे आप क्लासिकल गा रहे हैं, चाहे आप सेमी क्लासिकल गा रहे हैं, चाहे आप फिल्म गा रहे हैं, चाहे आप लाइट म्यूजिक गा रहे हैं, सभी के लिए तो लगाना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे गायक चौथे काले से जाने क्या क्या गा के चले गए और दुनिया में नाम कर गए, जरूरी थोड़ी पहले काले से ही लड़कियां गाएं,
नहीं जरूरी है, कर सकती हैं अगर उनका गला अलाउ करता है कर सकती हैं। उसके लिए क्या है कि स्केल जो है आपका बहुत छोटे बच्चे जब होते हैं तब से वो निर्धारण शुरू हो जाता है एक्चुअली, और जब हम लेटर स्टेज पे आते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल आते हैं स्केल को फिक्स करने के, क्योंकि तो अपना जो ये चल रहा है उस समय बच्चे का है, अब उसको बनाया जा सकता है। जैसे बच्चे का हम एक पूरा पूरा उसको संस्कार देते हैं ना घर का बच्चा, तो ऐसा ही संगीत का संस्कार जाता है, शुरू तो वहां से होता है, लेकिन अब कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा है, वहां से शुरू करेंगे। तो अपने जैसे कानपुर का माहौल है तो हमको उसको और बेहतर बनाना है। अब ये ताल के जो पॉइंट हमारा आता है क्लासिकल में, तो जो बड़ा ख्याल में जो आता है वही ठुमरी में आता बनारस अंग की ठुमरी जत ताल में अधिकतर गाई जाती है। और आपको होरी ठुमरी बताएंगे एक चंदी में, तो अभी हम आपको जो कल कराई थी ठुमरी उसको थोड़ा रिवाइज कराते हैं और उसकी बंदिश को कीजिए। वॉइस वगैरह ठीक आ रहा है? सारा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने तो मेहनत किया ही है, रिचा जी ने काफी पेंस लिए हैं, जो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को देख के हम लोग को बहुत खुशी होती है ना। हाँ आप कहाँ से हैं? यहीं से है ना, डीबीएस से हैं, क्या बात है, वाह। वहाँ किस सब्जेक्ट में है? अच्छा, अचीवमेंट, यस, कमांड, वेरी इंटरेस्टिंग। लगाइए बेटा, बी अलर्ट, अब यहाँ मजबूरी है, हम एक ही स्केल से करवा रहे हैं, आप घर जाके अपने स्केल से कीजिएगा।
लड़कों के लिए भी ये सुर लगाना बहुत बहुत जरूरी है। आपकी आवाज जो भारी होना चाहिए, खरज अभ्यास। Thank you.
बात कह रहे हैं उसको एक आप पिक्चराइज करिए अपने आगे, जिससे भी कह रहे हैं वो एक अपने आगे एक इमेज बनाना शुरू कर दीजिए ना।
अब यहाँ परदेश ही नहीं, मतलब अब दूसरे शहर भी चले गए तो परदेश हो गया ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, अपने दोस्त से भी कह सकते हैं, अपनी अपनी फ्रेंड से भी कह सकते हैं, बस ना को आ गया है, रखा गया है। अरे चल रही है, जैसा कल बताया 16 बीट्स जत जत। अभी बताएंगे सर, बोल बताइए सर फिर से। खंड वैसे ही जैसे तीन ताल के। फिर से सुन लीजिए एक बार। मात्रा धा, आकार एस बना दीजिए, दूसरी मात्रा एस, फिर धिन, फिर एस, फिर धा, चार चार मात्रा में विभाग, धा क्रॉस को जीरो यहाँ की बात, फिर धा तिन एस, फिर एस, आठ मात्रा होगी आपकी, धा धा तिन इन, चार के बाद विभाग बनाइए, चार चार मात्रा के बाद विभाग, ठीक है, फिर ता, आकार, टिन, आकार, फिर धा, धा, फिर से धा, नहीं नहीं धा धा दो ही बार, धा धा टिन कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ठीक है, दिल लिखो ना, दिल 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 ले इन आकार हो गई, सोलह मात्रा जी, ह
इन इन सकार हो गया 16 कंप्लीट सबको समझ में आ गया जी 16 कंप्लीट चलिए साथ में लेते हैं रेडी 1 2 बोलिएगा गो आ आ इन आ आ अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें भी आपको ये ताल चाचर करके मिलेगी ठीक है चाचर चाचर माने चार चार का मतलब होता है चाचर है ये है? और चाचर भी इसका एक नाम है चाचर सी एच ए सी नहीं वो उसमें दिया हुआ है चाचर हमारे वाले में 16 दिया है गलत दिया है अच्छा लेकिन वो पूरा 16 बीट्स है कितना दिखा रहा है चचर अच्छा हाँ वो तो अलग हो गया और ये इसमें जो 16 मात्रा दिया इसका कौन क्या करेगा बोलो तो खैर जत है जत है इसको मैम जत की चाचर है फाइनली इसमें चक्कर ये है मैं बता रही हूँ कि ये कठिन क्यों हो जा रही है ये इन इन इन, इन जो बीच में है वो एक एक पे बोल नहीं है ना जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन तो एक एक मात्रा पे बोल आता है तो सुनाई पड़ जाता है समझ में आ जाता है अब इन 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 को भी ध्यान रखना पड़ेगा वो जो गैप है वो गैप के लिए किया गया है वो बंदिश जो गाई जाती है उसमें इतना टंग 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 की जरूरत नहीं है इसलिए उसमें बीट टू बीट रहने की जरूरत नहीं है इसलिए वो बहती हुई ताल एकदम आराम उसकी खूबसूरती है ना हम लोग के यहाँ ताल क्यों इस तरह से है बोल क्यों बनाए गए ना जो साउथ में नहीं है तो वो गिनती का इस्तेमाल है अब देखिए ये आप लोग को ये बहुत ज़रूरी है जितने भी अब आने वाले बच्चे हैं बेटा बात यहाँ आपकी बात तो नहीं हो सकती है जब आप वर्कशॉप कीजिएगा तो आपकी बात होगी तो बात ये है कि हम ताल को क्यों कराते हैं जैसा मैम कह रही है कि हम लोग को ताल को पहले देखना ही पड़ेगा तभी हम बंदिश सीखें वरना ना सीखें तो बेहतर है चाहे वो छोटा ख्याल क्यों ना वो यदि तो आपको गाई नहीं पाएंगे फायदा क्या है उसको तोते की रटने से तोते की तरह से कोई फायदा नहीं यूं 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 करने से भी उतना नहीं ठीक है एक शुरू करते हैं लेकिन अब ये चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप तबला सीखें ठेके हाँ कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है हाँ तबला तो सीखना बेसिक है जैसे मैंने बताया ना कि आप लय तो हमारे पूरे विश्व में अपने सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है हर चीज़ अपनी लय से चलती है एक ही लय से नहीं चलती है अब जैसे हम अपना चलते रहेंगे ये अपना चलते रहेंगे फिर एक जगह आके मिल जाएंगे कहीं आकर के मिलेंगे हेलो हाय सब ठीक है हाँ हाँ ठीक चल है ना तो वो दिन रात की भी लय है और चांद सूरज एक दूसरे को हेलो हाय करते हैं उसके बाद फिर चालू अपना काम सारे मौसम का भी वो है नहीं मौसम गड़बड़ नहीं होता है
कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बच्चों, ये बताना चाहते हैं कि लय है, जो धड़कनें चल रही हैं इनकी भी लय खराब हो जाएगी तो मुश्किल आ जाएगी, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, जो फिक्स है वो फिक्स है ना। अब वो अपना काम हम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। इसी तरह की बात हमारे गायन में भी है, इसको ऐसा समझ लें। और वो टाइम वेस्ट नहीं है, कुछ लोग सोचते आए अब तबला सीखें, लो मेरा समय बर्बाद हो रहा है। ये कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होती, आप जिस सब्जेक्ट में घुसो उसमें कंप्लीट घुस जाओ, अंदर समुद्र है घुस जाओ, तैरना सीखो, नहीं आता तो भी उसमें डूबना सीखो, डूब जाओ, नहीं आता तैरना तो तैरो डूबो, जो करना है करो ना, उसी के अंदर करो, आ जाओगे। नहीं नहीं बाद में नहीं, पहले ही आ जाओगे, पहले ही आ जाओगे। ये आदमी की फितरत होती है, वो ऐसे जोर से हाथ पैर चलाता है कि वो बाहर आता है, वो बाहर आता ही आता है। So, इतनी अरज मोरी, मान ले हो पिया, गाया नहीं जाता। पहले चिल्लाना नहीं शुरू करना है ना, मान मंत्र मध्य तार तीनों क्यों दिए गए हैं, उनमें काम के लिए इतनी मान ओ
पास में बैठा है ना, कोई पास में बैठा है तो उसको धीरे से ही बात करेंगे ना। आप बैठे हैं, आपको चिल्लाने थोड़ी लग जाएंगे, हम जब बिल्कुल आखिर में जाने ही लग गया तो चिल्लाना शुरू करेंगे, है ना। तो ये भाव के साथ बात है, आपको इमेजिन करना है कि क्या हो रहा है। इतनी हर बातें भी ताल में, अलग भी जा सकता है। माँ होता है ना, बड़े ख्याल में भी ऐसा होता है ना, माँ अरे माँ मोरी माँ, संपर ही आया अरे पकड़ी जा रही है, दूसरा छुड़वा रहा है,
आप पकड़ रहे हैं, ये सब भाव आना चाहिए। बाह पकड़ बाह पकड़ तोरी तोरी विनती करत वाला जो तबला बजा लेता है वो अच्छा गाता है, और जो तबला अच्छा बजाता है वो भी गाता है, तभी अच्छा तबला बजाता है, क्योंकि वो सुर उसमें भी चल रहा है, भाव उसमें भी चल रहा है, कुछ ना होते हुए भी। तार तो नहीं चल रहा, और कोई व्यक्ति क्योंकि वो बार बार बुलाया जा रहा है ना, शायद दूसरा कोई बुलाना चाहता हो। हाँ, एक ही व्यक्ति को कई लोग बुलाने चाहते हैं, तो फिर क्या किया। हाँ, बजाने का मौका तो मिलेगा, अभी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये सबसे बड़ी तकलीफ है, बेचारे बंद जाते हैं। ये बनारसी आंख है, मैं को वैसे पूछ रहा था, योजना करता हूँ, विनती करता हूँ।
अब ये करत 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 बार बार नहीं होना चाहिए। क्या करत है? फ्रेज बनने चाहिए। कोई नहीं, जो मेरे आला वो किसके ऊपर करवा दूंगा आप आ रहे मतलब ख्याल में तो हम लोग ख्याल नहीं रखते। करत करत अभी सो बार करत करता है ना, कहीं गया ता कहीं गया रा, तो वो ठीक है, सुर देख रहे हैं, सुर देख रहे हैं, ठीक कोई बात नहीं, बट यहाँ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। क्या कर फिर कर हो जाएगा, ता कहीं और चला गया, गिर गया कहीं जाके, तो वो पूरा शब्दों का पूरा भाव। अरे ना जाओ पिया
गवाया भी है आप गाएंगे अकेले अकेले? अभी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, है ना, घर जाके करना। कल कल करना है, कल एक एक को सुनेंगे। नेचुरली कोई बात नहीं, घर में कोशिश तो करते रहना। एक दीप चंदी अब ताल बदलता है। पीना ना मिले तो फिर बेकार होगा। ताल बताएंगे, कौन सी ताल है? हाँ नहीं, कुछ बच्चों को नहीं आती है। मात्रा 14 विभाग 4 ताली 1 4 8 पे कहाँ होती है? 8 पे कहाँ होती है? रुक जाओ, हो जाएगा। ताली 1 4 और 11 पे, ठीक है, खाली 8। बोल लिखो, धा धिन आकार, धा धा तिन इन मतलब आकार, ठीक है। 7 मात्रा हो गई, 3 के बाद एक विभाग बनाइए।
चार के बाद एक विभाग, ठीक है, तीन चार, तीन चार। फिर ता तिन इन आकार, फिर धा धा धिन इन, तीन के बाद फिर से विभाग बनाइए, तीन चार, तीन चार का विभाग है, तीन मात्रा चार मात्रा, निशान क्रॉस टू जीरो थ्री, क्लियर। दीपचंदी और जत में सिर्फ दो आकार का अंतर है, दीपचंदी और जत मिलती जुलती तालें, सिर्फ दो आकार का अंतर, केवल पहली मात्रा के बाद, बाकी सब सेम है, ठीक है, वही पहला और तीसरे विभाग में एक एक मात्रा का फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए लेते हैं, धा धिन धा धा धिन ता धिन धा धा धिन धा धिन धा धिन धा 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 धा धिन धा धिन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये कोई बहुत दौड़ भाग वाली ठुमरी नहीं है, वो दादरा की तरफ नहीं है। थैंक यू, ठीक है ना, आराम से चलने वाली है, फिर भी यूं जत में भी है ठुमरी, हो रही ठुमरी, लेकिन हमने आपको अभी ताल बदल करके, ताल भी बदलना जरूरी है ना, उसका फ्लेवर अलग है, हर चीज का फ्लेवर होता है, चाय का फ्लेवर भी होगा, आप लोग भी दे सकते, दे सकते। ऑनलाइन भी मैं सबको ऑफर कर दूँ, आप घर में बना के पी लीजिए, डिजिटल डिजिटल कप भेज दे, चीयर्स। नहीं भाई, वो घर में बनाएंगे, आराम से बैठ के पियेंगे। अमरजीत जी, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए। ये होली खेल न जाने, होली आए अनोखे खिलाड़ी, बड़े आए, ऐसे बोलते ना, आए अनोखे खिलाड़ी, होली खेल हो ना जाने, बहुत आए खेल तुम्हारे जैसे बहुत देखे, वो वाला इसमें भाव है, अभी मैं रंगती हूँ या मैं रंगता हूँ वाला फील है, तुम क्या जानो खेलना, कैसे खेला जाता है। आए अनोखे खिलाड़ी, होली खेल न जाने, काहू को दलत मलत, काहू को दलत मलत, मतलब धक्का मुक्की और जोर से मलने को कह रहे हैं, काहू को किसी को दलत मलत, काहू को काहू हाँ, काहू को सुनावत ताने, काहू को सुनावत ताने, मतलब ताने मारते हैं ना, पिचकारी चलाना भी नहीं आता, खेलना भी नहीं आता, चले आए ऐसा वाला, ऐसा वाला ताना।
या है ही नहीं तुम्हारे पास रंग और तुम चले आए, अरे चलो रंग दिया। तो काहू को दलत मलत, काहू को, ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण को कह रही हैं, होली खेल खेल न जाने, काहू को दलत मलत, काहू को, किसी को भी मल रहे हो, किसी को भी रंग लगा दिया, हम यहाँ खड़े हैं, काहू को दलत मलत, काहू को सुनावत ताने, होली खेल न जाने। आ रहा है ये, आ रहा है, इसमें ऑनलाइन आ रहा है। ये भी देश और खमाज और ये सब, खमाज देश और बीच बीच में आपको कभी रागेश्री भी दिख सकता है, बहुत कुछ, कई बार केदार भी दिखने लग जाता है। भाव की चीज है, इसमें कोई तोड़ा मरोड़ा और दंगल नहीं किया जाता है, दंगल नहीं होता इसके अंदर, समझ रहे हैं ना, कि तानबाजी नहीं होती। मूर्खियां खटके इनका काम होता है, तानों का कोई काम होता नहीं है, लोग जबरदस्ती लगाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो मतलब खेलने चल रहे हैं तो ताने ताने मार मार के खेलेंगे, नहीं खेलते ना आराम से, खेल ना जाने हो, खेल ना जाने हो, खेल ना जाने हो, खेल अब इसमें खेल ना जाने तरह तरह से, पॉज देंगे, होरी खेल ना जाने, होरी हर जगह लय का, सब एक साथ जुड़ा जुड़ा नहीं चल रहा है, देखो होरी खेल जगह पर आके फिर से सम के पास मिलेंगे, खेल ना जाने होरी, पॉज कॉमा, होरी खेल ना जाने, ये अलग हो गया, खेल ना जाने होरी, खेल ना जा, सांस लेके खेल, thank you.
फिर रुकना पड़ेगा। न जाने आए अनोखे खिलाड़ी, खिलाड़ी होरी के होरी के लना जाने आए अनोखे खिलाड़ी होरी के ल सम का ध्यान रखिएगा होरी। गाते रहिए, हाँ ठीक है करिए, फिर से करो अकेले, हाँ ठीक है करो एक एक करके। तार को देखो मैं, हाँ फिर से अब इसको जो है उसमें कैसे आप कैटेगराइज करेंगे, कितना क्या कहना है, कितना क्या कहना है। आए अनोखे जाने आए अनोखे खिलाड़ी होरी के, दो तरह से हो गया। गाओ होरी खेल
गा। जल्दी आना पड़ेगा, एक ही चीज को बढ़ाइए। आए आए बस। सकते हैं जैसे किस किस शब्द को हम बढ़ा सकते हैं, ये वाली बात है ना। अनोखे खिलाड़ी को बढ़ाना की जरूरत नहीं है, अनोखे खिलाड़ी ऐसे ही बोलेंगे ना। आए आपको उसको पिक्चराइज देख करके देखिए, अरे आए भी उसकी बात आएगी कि अनोखे खिलाड़ी पूरा जाना चाहिए, नहीं तो वो ख्याल हो जाएगा, इतना ही सा डिफरेंस हो जाएगा होता है। आए अनोखे खिलाड़ी होरी खेलने ना जाने, पहले वो कहन जो होता है कहने का ढंग, ये सीखना पड़ता है, इसको करना पड़ता है बार बार। वो ताल चल रही है और हम बोल के आ रहे हैं, हम बोल के आ रहे हैं, सुर इधर उधर चला भी जाए तो कोई बात नहीं, ताल में हम फिट आ रहे हैं, फ्रेज को पूरा फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका अभ्यास। खेलना जाने हो री, खेलना जाने हो री, खेलना जाने हो री, ना जाने हो री, खेलना जाने हो री, ना जाने हो रही।
हैं हाँ भारी ना पड़ जाए कहीं इसलिए थोड़ा सा हाँ तो नहीं नहीं धीरे धीरे आएगा, आपको स्टाइल पता होना चाहिए कि वो स्टाइल क्या है। अब ये जो आपको बताएं कि ये स्टाइल से जो ठुमरी स्टाइल है ये स्टाइल से हम लाइट म्यूजिक भी करते हैं कई जगह कई चीज़ों में करते हैं, जैसे कुछ भजन ऐसे होते हैं या कुछ गज़ल भी ऐसे होते हैं कि जिनको हम ठुमरी स्टाइल में गाते हैं, है ना, खुल करके आराम से गाते हैं, ताल जो है वो कहरवा ना हो करके दूसरे ताल होते हैं, दीपचंदी होता है, कहरवा है तो वो ठहरा हुआ, मतलब ठहरी गायकी है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि ठहरी गायकी है। और लोकगीत है तो फिर लोकगीत वो अलग चीज़ है, मगर जब हम ठुमरी दादरा में आते हैं तो ये उसके पहले की चीज़ है, फिर हम लोकगीतों में पदार्पण कर सकते हैं, इसके बाद हम लोकगीत भी गा सकते हैं, लेकिन पहले लोकगीत नहीं गाएंगे, पहले ये ठुमरी दादरा ठहरी भी गाएगी गाई जाएगी। तो ये हो गया। और कुछ गज़लें भी ऐसे जैसे कि मेहंदी हसन साहब ने गाई गज़लें या हमारी बेगम अख्तर साहिबा ने गाई गज़लें, तो वो ठुमरी स्टाइल गज़लें हैं। गज़लों के दो स्टाइल्स हैं, एक जगजीत सिंह स्टाइल जो कि गीत स्टाइल है, तो वो आम को समझ में आता है, है ना, वो काफ़ी पॉपुलर हुए से। या और भी बहुत सारे आपके गायक हैं जो एक मतलब 80s में बहुत पॉपुलर हुए हैं, तो वो गीत की तरह से जो गज़लों का गायन होता है कुछ गीत नुमा कि उसमें बहुत वेरिएशन नहीं देते, अपना चलता रहे टकर 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 चलता जाता है, घुंघरू टूट गए, है ना, तो है ना वो वाले, तो उसमें आम को भी मज़ा आने लग जाता है। मगर जब ये जो गायकी है ये सब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा सा वो खास की है, थोड़ा सा वही हाँ। लेकिन अगर ये करेंगे तो हमारा जो हम कहते हैं म्यूजिक थेरेपी, अब इतनी देर आप सब भूल गए हैं, कुछ कहीं एक सुकून आया, भूल गए क्या था, कौन सा रोग चल रहा था, कुछ नहीं ख्याल आएगा। उतनी देर अपना आराम से चैन से बैठो, चैन से बताओ, चैन से बतियाओ, चैन से बोलो, चैन से गाओ, तो ये चैन ही हर गया है, वो अगर आ जाए तो सब पैसा, हाय पैसा 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 हाँ, तो वो पैसा छोड़ के पैसा आएगा अपने आप, मैंने बताया आपको क्वालिटी अगर आपके होगी तो ऑटोमेटिकली पैसा आने लग जाएगा। क्वालिटी बढ़ाते जाइए, ताल का बहुत बड़ा बढ़िया काम कीजिए, अभी सर ने भी बताया, अब इस पे जुट करके थोड़े इन्हीं दिनों में कहीं पर अगर आप सीखना भी शुरू कर देते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, है ना, ठीक है ठीक है। बस कुछ लोग कर भी रहे हैं शायद, मेरे मैंने बोला था ये बात तो कुछ लोग शुरू भी किए हैं, तबला किए हैं कि नहीं है, कि दादरा कहरवा बजा रहे, बस और ताने भी बजाना है ना, शुरुआत की है, ठीक है, जब शुरू हो गया तो फिर तो बढ़िया ही हो, शुरू तो होना चाहिए। अच्छा बेटा, आप लोग भी लड़कियां, आपको आता है तबला ना, कविता आता है, हाँ नहीं ना, तो आप लोग ये काम सबसे पहले शुरू कर दीजिए और फिर उसके बाद गाना अपने आप अच्छा होने लग जाएगा, वो ऑटो सिस्टम पे चला जाता है। और ये जो ये हम लोग उमेट उमेट करके जो ये करते हैं इसको थोड़ा सा यदि कम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, लोग शांति हो गए हैं। तो ये तबला आपके उसमें ऐप में जो होता है ना, वो ऐप तो प्रोफेशनल्स के लिए है, आई एम सॉरी, बट वो प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि उस स्तर पे पहुंच गए हों, जिनको तीन ताल पता है, जिनको एक ताल पता है, ठीक है ना। तो आप पहले अपने मतलब एक सर के साथ आप लोग अपना अभ्यास शुरू करिए, उस तीन ताल ही क्यों ना हो उसको करिए, फिर उसके बाद ये ठुमरी दादरा भी आपका अच्छा होगा, कोई ना कोई चीज़ें फिर हम आपको
देखिए अगर अभी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई तो एक कुछ दिनों बाद तो उसको लेके हम लोग बैठेंगे। हाँ 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 अभी नहीं हो पाई तो फिर जब भी हमारा संगीत डिपार्टमेंट जब सहयोग करेगा और फिर से फिर एक डिपार्टमेंट मतलब हम लोग सब लोग मिल करके गाएंगे बजाएंगे जितने कार्यशाला में रहे है ना, इन्हीं को एक एक, एक अलग, अलग 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 बोलेगा। तब तक तैयारी करेगा, एक एक आलाप अलग अलग करेगा है? अच्छा लगेगा ना। हाँ ऐसे करेंगे तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज संगीत विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। ना समय जो है, लेकिन बेटा ये समय जो है बहुत कीमती है आपका, और क्योंकि लाइफ में ये कुछ ऐसे वो होते हैं कि वो दोबारा नहीं, समय तो दोबारा आता ही नहीं, लेकिन ये जो है आपका पढ़ने पढ़ाने वाला समय ना ये बहुत ही वैल्यूबल है। इसमें जुट करके सब कर लें और बनारस की शैली को हम कानपुर में स्थापित करें, स्थापित कर दें, ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए ना। क्योंकि अप्पा जी ने जैसे जो हम लोग को शिष्याओं को दिया है, हम चाहते हैं कि वो जब बढ़ेगा इसी तरह से, जब तक आप नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेगा, तो आप करें और फिर हम बनारस हम यहीं ले आते हैं नसीब के, और क्या हमें बनारस जाने की क्या जरूरत है, यहीं पर है घराना पूरा चालू। धन्यवाद ऋचा जी। ये विचार जो आपके हैं इससे मैं बहुत सहमत हूँ पूरी तरह से, क्योंकि आप जिस परंपरा से ताल्लुक रखती हैं वो परंपरा यहाँ के बच्चे इसमें आगे बढ़े, और निश्चित रूप से आपसे कुछ अच्छा सीख के उस घराने को उस गायन शैली को आगे बढ़ाए, तो अप्पा जी का आशीर्वाद इन लोगों को भी मिल सके। मुझे बहुत खुशी होगी कि ये वर्कशॉप पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेगी। अगर सच में पूछा जाए तो आपकी बात को अगर वो फलीभूत हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी शायद किसी को नहीं होगी, और मेरी बात पहली खुशी आपको होगी, क्योंकि ये वर्कशॉप में बच्चे इस घराने को अगर फॉलो कर जाएंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर दिस वर्कशॉप। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग टुडे सेशन। कल के सेशन में हम कल मिलते हैं थर्ड डे। ओके